कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास, ओ शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड भवन में विराजमान मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविंद्र मुनिजी महाराज साहब, मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनिजी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समो शरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी भावना की भावधारा में हम लगातार कई दिनों से गोते लगा रहे हैं। जीवन के, आत्मा के, कर्म के, धर्म के कई रहस्यों से
हम परिचित हो रहे हैं। मेरी भावना के रचयिता जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर जी, जिन्होंने मेरी भावना में समस्त आगमों का, या यूं कहूं समस्त आध्यात्मिक ग्रंथों का निचोड़ निकालकर काव्य में भरकर उसे सरस और सरल बनाकर प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत किया है, उनके इस उपकार को हम सदैव याद रखेंगे। उनकी इस अनुकंपा को हम सदैव अनुमोदना देते हैं, क्योंकि एक साधक साधना करता है और साधना के रहस्यों से जुड़ने के बाद जब कोई रचना रचता है, और वो भी मानवीय मूल्यों को शब्दों में बांधकर आत्मा से परमात्मा बनने का एक रास्ता बताता है, काव्य के रूप में, प्रार्थना के रूप में, भावना के रूप में, और वो भी इतना सहज, वो भी इतना सरल। जिसने अनुभव किया होगा शायद वही इस रास्ते का निर्माण कर सकता है। जिसने आगमों के अमृत का रसास्वादन किया होगा वे ही ऐसी कविता या ऐसा महाकाव्य रचने की दिव्य दृष्टि प्राप्त की होगी। तो उनकी इस गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को, या यूं कहूं उनकी ऐसी आत्मिक सोच को, उनकी ऐसी आत्मिक दृष्टि को, अनुमोदना देते हुए हम भी कभी मेरी भावना का पाठ करते हुए, उच्चारण करते हुए, इस मेरी भावना के शांत जल में अपनी आत्मा का जो परमात्मा रूपी प्रतिबिंब है उसको निहारने का प्रयास करें। यही हमारा पुरुषार्थ होगा, यही हमारी सामायिक होगी, यही हमारी साधना होगी, और यही हमारा प्रतिकर्मण होगा। जब भी किसी भी, क्योंकि ये अतिशयोक्ति आपके लिए हो सकती है, लेकिन जब कभी मैं मेरी भावना के पदों को पढ़ता पढ़ता इसमें डूबने का प्रयास करता हूँ तो मुझे कई कई बड़े बड़े स्तोत्र भी इसके आगे छोटे जान पड़ते हैं। ये हो सकता है मेरी दृष्टि है, पर लेकिन इस मेरी भावना के अंदर किसी बहुत बड़े परमात्मा की स्तुति नहीं की गई है। ये केवल ऐसी भावना है जिसके माध्यम से हमारे में छुपे हुए परमात्मा की एक झलक देता है, एक सबक सिखाता है। तो ऐसी दिव्य भावना, मेरी भावना, पवित्र भावना, इस भावना की हम जितनी अनुमोदना करें उतना ही कम है। आज नौवें पद पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मेरी भावना कुल 11 पदों में सिमटी हुई है। नौवां पद बड़ा महत्वपूर्ण पद है, तो हर एक पद बड़ा महत्वपूर्ण, इस पर जितनी गहन चर्चा करें उतना ही कम है। लेकिन समय की भी कुछ सीमा है, चतुर्मास भी अब पूर्णता की ओर जा रहा है, और अब उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से श्रुत आराधना का वक्त भी आ रहा है। कल से ही श्रुत आराधना प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराध्ययन सूत्र की
भगवान महावीर की अंतिम देशना, तो उस दौरान मेरी भावना के प्रवचन मुझे विराम देने होंगे, और आप जिसकी आवाज में कशिश है, जादू है, मेरे लाडले ऋषि मुनि के मुख से ऋषि मुनि जी के मुख से श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वांछना का आप सभी आनंद लेंगे, और बचे हुए समय में सत्यवादी हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र का आनंद लेंगे। तो नौवें पद को हम पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, या सुनते सुनते किसी को याद हो तो साथ साथ बोल लेते हैं। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वेर पाप अभिमान छोड़े, जग नित नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे, ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। बड़ी महत्वपूर्ण पद है ये। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़, जग नित नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। अद्भुत अद्भुत इन पदों की गहराई में, या यूं कहूं आत्मीयता में, जब कोई दिव्य आत्मा मैत्री भाव से जुड़ता है, अखंड प्रेम से जुड़ता है, शुद्ध प्रेम से जुड़ता है, किसी भी अरिहंत वीतराग प्रभु की साधना करते करते जब ये आत्मा आत्मा से जुड़ती है, तभी ये भाव पैदा होते हैं जो भाव आपने अभी गुनगुनाए हैं। ये भाव धर्मात्मा के होते हैं, धार्मिक के नहीं, धर्मात्मा के। हमारा प्रयास प्रारंभ में धार्मिक बनने का हो, लेकिन जब धार्मिकता को पूर्णता देने का वक्त आए तो फिर हमें धर्मात्मा बनना चाहिए, या यूं कहूं धर्मात्मा बनने का शुभारंभ धार्मिकता से होता है, लेकिन धार्मिकता की पूर्णता धर्मात्मा से होती है। यानी पहले धर्म शरीर से जुड़ता है, वचन से जुड़ता है, और जब मन से जुड़ता है
और मन के पार जब आत्मा में धर्म प्रवेश करता है तब जाके धर्मात्मा बनता है, और धर्मात्मा व्यक्ति ही परमात्मा बनता है, धर्मात्मा व्यक्ति ही अरिहंत बनता है, धर्मात्मा व्यक्ति ही सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनता है, धर्मात्मा व्यक्ति ही मोहनीय कर्म को नष्ट कर सकता है। धर्मात्मा यानी जिसकी आत्मा धर्ममय बन गई, बस अब आत्मा में धर्म के अलावा कुछ नहीं रहा, उनको हम धर्मात्मा कहते हैं, उन्हीं को हम अरिहंत कहते हैं, उन्हीं को हम चार घाती कर्मों को नष्ट करने वाले वीतराग प्रभु कहते हैं, उन्हीं को ही हम धर्मात्मा कहते हैं। नहीं तो आप और हम केवल धार्मिक हैं, क्योंकि इसमें मन कम काया ज्यादा शामिल है। जिसमें मन कम हो काया ज्यादा शामिल हो उसको हम धार्मिक कहते हैं, और जिसमें शिवाय आत्मा के कुछ ना हो वो धर्मात्मा होता है। तो इससे पता चलता है, क्योंकि अरिहंत का शुभारंभ संत से होता है, क्योंकि अरिहंत बनने से पहले संत बनना बहुत जरूरी है। संत जब अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है तो वह अरिहंत बन जाता है, बस। और संत बनने से पहली भूमिका श्रावक की है, और श्रावक बनने से पहली भूमिका एक अच्छे इंसान की है। यानी श्रावक बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, और संत बनने से पहले एक अच्छा श्रावक होना जरूरी है, और अरिहंत बनने से पहले संत होना बहुत जरूरी है। संत यानी जो सत्य से जुड़ा है उसी को संत कहते हैं, जो संप्रदाय से जुड़ा है उसे साधु कहते हैं। यही अंतर है। साधु संप्रदाय से जुड़ा हुआ रहता है, किसी ना किसी संप्रदाय से जुड़ा है, किसी ना किसी मत और मतांतर से जुड़ा है। तो जब तक मैं किसी संप्रदाय से जुड़ा हूं मैं साधु तो हो सकता हूं लेकिन संत नहीं हो सकता, क्योंकि संत वही हो सकता है जो सत्य से जुड़ गया है। बस सत्य यानी जो आत्मा से जुड़ गया है उसी को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। जो सत्य से जुड़ जाए उसे संत कहते हैं, और जो संप्रदाय से जुड़ा रहे उसे साधु कहते हैं। क्योंकि संप्रदाय से जुड़ना भी जरूरी है। साधु पहले बनेंगे तभी तो हम संत बनेंगे। यानी हमारा इस काया का जन्म किसी ना किसी कुल में तो होएगा ना। मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात बड़ी दिल को छूती है। उनकी आध्यात्मिक गहराई की मैं अनुमोदना करता हूं। उनकी अंदर की जागृति की मैं अनुमोदना करता हूं। उनकी हार्दिक सोच की मैं अनुमोदना करता हूं। क्या गजब के थे वो। उन्होंने कहा किसी संप्रदाय में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। देखो क्या बात कही, किसी संप्रदाय में जन्म लेना सौभाग्य की बात है लेकिन उसी संप्रदाय में मर जाना सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखो क्या गजब की बात कहेगी। पर लेकिन आप तक समझ पाए, आप तक की बात में पहुंचा पाया नहीं पहुंचा पाया इसको तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन क्या कहना कि किसी संप्रदाय में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, क्योंकि किसी ना किसी संप्रदाय में यानी किसी ना किसी कुल और परंपरा में ये शरीर को जन्म लेना ही है। ये बाउंडेशन है, ये बंध है, प्रतिबंध है। यानी हम किसी ना किसी समाज में जन्म तो लेंगे, किसी ना किसी समुदाय में तो जन्म होना ही हमारा, और जहां सब मनुष्य मिलकर के रहते हैं उसे हम समुदाय कहते हैं, उसी को हम समाज कहते हैं। यानी किसी ना किसी समाज में तो जन्म होना ही है मनुष्य का। पर लेकिन क्या कहा, जिस समुदाय में जिस संप्रदाय में जन्म लिया है उसी में ही तुम मर गए, फिर यह दुर्भाग्य की बात है।
इसका मतलब जन्म लेना, मनुष्य में जन्म लेना, मनुष्य गति में जन्म लेना, एक सौभाग्य की बात है। लेकिन मनुष्य के रूप में ही मर गए, या उसी जिस सोच में तुम्हारा जन्म हुआ उसी सोचते ही तुम जुड़े रह गए, आगे की नहीं सोच पाए, आगे नहीं पहुंच पाए, ये दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि मनुष्य का जन्म केवल मनुष्य रहने के लिए नहीं हुआ था, इंसान का जन्म तो भगवान बनने के लिए हुआ था, इस आत्मा का जन्म तो परमात्मा होने के लिए हुआ था। ये तुम्हारे लिए शुभ अवसर है, अनुपम अवसर है, दुर्लभ अवसर है कि तुम इंसान से महान बन सको, महान से भगवान बन सको, एक उत्तम इंसान से महात्मा बन सको, महात्मा से परमात्मा बन सको, धर्मात्मा बन सको। अगर वहां तक नहीं पहुंचे फिर तो मुश्किल हो जाएगी, और अधिकांशतः हम वहीं जन्मते हैं और वहीं मर जाते हैं, सोच ऊंची नहीं कर पाते। कभी कभी तो उन्होंने एक और बात कही, सनातन धर्म के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, जबकि वो सनातनी थे, वेदांती थे, वेदों को मानते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गजब की बात कही कि हमारा सनातन धर्म तो, उनकी सोच देखिए, कि हमारा सनातन धर्म तो केवल चूल्हे और चौके तक ही रह गया है, बर्तनों तक ही रह गया है, पहनावे तक ही रह गया है। उनकी सोच देखिए, क्योंकि पहले क्या करते थे कि कोई छोटी जाति का आदमी चूल्हे और चौके में आ जाता था तो लोग कहते हाय हाय हाय, धर्म भ्रष्ट हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया। कोई एक आदमी बेचारा चूल्हे और चौके में आ जावे तो उससे धर्म भ्रष्ट हो जाता था, कोई छोटी जाति का आदमी किसी ऊंची जाति की रसोई में घुस जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता था, उनके बर्तनों को छूले तो धर्म भ्रष्ट हो जाता था, उनके कपड़ों को छूले तो वो कपड़े नहीं पहनते थे, नुका फेंक दो, धर्म भ्रष्ट हो गया। लो जी, नुके बस, हमारा सनातन धर्म तो चूल्हे और चौके तक ही रह गया है, उससे आगे बढ़ नहीं पाया। ऐसा हमारे जैनियों के अंदर भी है, साधुओं का धर्म बड़ा नाजुक है, और बल्कि यूं कहूं जैसे हमारे संतों की भाषा होती है, उस भाषा के ऊपर मैं कभी कभी गौर करता हूं तो मुझे सोच होता है कि कितनी छोटी सोच लेकर के हम जी रहे हैं, हम कहां वीतराग प्रभु के साधक हैं, कहां हम अरिहंत परमात्मा के आराधक हैं, और कहां हम इतनी छोटी सी सोच लेकर के जीते हैं। छोटी सी सोच, हमारा धर्म मालूम है, छोटी छोटी बातों में खत्म हो जाता है। अगर संत कहीं कच्चे पानी को छू जाए या कहीं पड़ रहा हो, है कोई साधु है ये, छोटी मोटी चीजों पर कुछ हाथ लग जाए, है संत है कोई ये। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों तक बांध के रख दिया धर्म को। आत्मा कहां नहीं है, आपकी सोच और हमारी सोच इतनी छोटी क्यों हो गई। हमारे संत अक्सर एक बात बोल जाते हैं, उनको अगर तुम मानोगे तो तुम मिथ्यात्वी बन गए, उसके उस संत के चरण में अगर तुमने माथा टेक दिया तो तुम नरक में जाओगे। लो जी, मैं सोचा करता था कि ऐसी बात तो केवल अरिहंत परमात्मा जानते, लेकिन यहां तो हर आदमी सर्वज्ञ बना हुआ है कि किसके पांव छूने से कौन नरक में जाता है, कौन मिथ्यात्व की प्राप्ति करता है। इतनी छोटी सोच, शायद इसी छोटी सोच की वजह से हम सब सिमटते जा रहे हैं, दृढ़ नहीं हो पाए हम, फैल नहीं पाए, विस्तृत नहीं हो पाए। जबकि धर्म इतना महान कि जिसके अंदर तीन लोकों में रहने वाली आत्मा में कोई अंतर नहीं बतलाया, तीन लोक की चार गतियों में रहने वाले जीवों के बारे में हमारे वीतराग प्रभु ने एक स्पष्ट उद्घोषणा की कि हर जीव में परमात्मा बनने की संभावना, क्योंकि आत्मा में परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है,
किसी को छोटी नजर से देखना नहीं चाहिए, छोटी सोच छोटे नजरिए से नहीं देखना चाहिए। और जब तक छोटा नजरिया रहेगा, छोटी सोच रहेगी, तब तक हम अध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और यहां क्या बोल रहे हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के। अब यहां पे तो कोई फर्क नहीं रखा ना, और ये नौकार मंत्र के अंदर भी है, नमो लोए सब साहुनम। मैं नौकार मंत्र को इसलिए महामंत्र बोलता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि वो जैनियों का मंत्र है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि वो समस्त आत्मा परमात्मा का मंत्र है, क्योंकि उसमें पहली बात नमन की प्रक्रिया है, वंदन की प्रक्रिया है। इस मंत्र को हमारे यहां नमस्कार महामंत्र कहते हैं, नमस्कार महामंत्र, नमन करना है वहां। और फिर शुरुआत जिसकी नमो से हुई है, नमो नमो यानी नमस्कार करना, नमस्कार करना यानी झुकना, झुकना यानी पात्र बनना, झुकना यानी ग्राहक बनना। क्योंकि किसी चीज को लेना है तो झुकना, तो क्योंकि हम जब एक एग्जाम्पल देते हैं कि कुएं में जब हम बाल्टी डालते हैं, पहले बाल्टी डालते थे, तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि जब पानी की बाल्टी पानी में जाती है तो उस बाल्टी में पानी कब भरता है, जब बाल्टी झुकती है तब भरता है पानी। तो एक ने कहा, महाराज अब तो कुओं का जमानो गयो, अब तो नल के आ गए, वहां तो कोई झुकने की जरूरत नहीं बाल्टी को, उनका एग्जाम्पल है। तो मैं उनको कहता हूं कि बेशक से बाल्टी नलके के आगे झुकती तो नहीं, पर नलके के नीचे तो आती है ना, नलके के नीचे तो आती है ना। जब तक बाल्टी नलके के नीचे नहीं आती तब तक बाल्टी भरती नहीं है, नीचे तो आना ही पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा। और झुक वही सकता है जो दूसरों को उत्कृष्ट मानता है, दूसरों को महान मानता है, दूसरों को ऊंचा मानता है। और दूसरों को जो ऊंचा मानता है वही ऊंचा हो सकता है, और जो दूसरों को नीचा मानता है वो कभी भी ऊंचा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सुखी रहे सब जीव जगत के, क्या उत्कृष्ट भावना है। मैं कभी कभी ढूंढता हूं इसके अंदर, अपने जैनत्व को ढूंढता हूं, कभी कभी मैं इस भावना से जुड़ करके अपने साधु साध्वियों के व्यवहार को देख जाता हूं, कभी कभी अपने श्रावक और श्राविकाओं की सोच को देख जाता हूं कि कहां हम मेरी भावना पढ़ते हैं और कहां इस नौवें पद की क्या उत्कृष्ट भावना है, शायद हम समझ नहीं पाते हैं। वहां तो कोई भेदभाव रखा ही नहीं, हर किसी जीव के लिए भावना भाई है, सुखी रहे सब जीव जगत के। लेकिन हम सच बोलना, हम एक ही संप्रदाय के होते हुए भी, संप्रदाय छोड़ो, हम एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी, एक ही मां की कोख से जन्म लेने के बावजूद भी, एक ही माता पिता की संतान होने के बाद भी, हम हर किसी के लिए अच्छी भावना नहीं रखते। यानी आज ये जमाना आ गया है, एक भाई दूसरे भाई को बढ़ता हुआ देख नहीं सकता। हाँ, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, परिवार का एक भाई किसी अनजान की तो सहायता कर देगा, लेकिन अपने भाई की सहायता नहीं करता। मैंने ऐसे दानवीर देखे, गरीबों में दान दे रहे हैं, गरीबों को कपड़े भी पहना रहे हैं,
लेकिन उसी का भाई भूखा मर रहा है, लेकिन उसकी तरफ उसकी नजर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? कि वहां दूंगा तो वो मेरे बराबर खड़ा हो जाएगा और यहां दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। हर कोई अपने नाम के चक्कर में लगा हुआ है, भला भी करता है तो नाम के लिए, कुछ दान भी देता है तो सम्मान के लिए, कुछ दान भी देता है तो उसकी कीमत रखता है वो, कीमत कि मेरा पत्थर यहां लगना चाहिए, हाँ ऐसी जगह लगना चाहिए कि आती उसके ऊपर नजर पड़े। एक जगह की बात, कमाल हो गया। पहले हमारे उत्तर भारत में स्थानकों के अंदर 24 तीर्थंकरों के नाम लिखे जाते हैं कांच के अंदर, इधर है या नहीं मैं जानता नहीं। तो मैं वहां स्थानक में बैठा बैठा एक दृश्य देखा करता था। एक भाई आता था, जो भी उसके घर में रिश्तेदार आते थे तो उन सबको लेकर के आता था, और वो 20वें तीर्थंकर का नाम लिखवा रखा था उसने कांच में, और नीचे उसका नाम लिखा हुआ था। सबको लाता था, वो दिखाता था। मैं सोचता था ये कितना धर्मात्मा है, जो भी रिश्तेदार आता है 24 तीर्थंकरों के नाम दिखाता है। मैं तो इस चक्र में पड़ा हुआ था। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि भैया तू तो जब भी तेरे रिश्तेदार आते हैं तू तो स्थानक में लेकर के आता है, ये तेरे गुण बहुत अच्छे लगे, ये तेरी मैं तारीफ करता हूं। उसने कहा महाराज मैं इसलिए लाता हूं 20वें तीर्थंकर को दिखवाने के लिए। मतलब मैं समझा नहीं, मुझे किसी तीर्थंकर से कोई लेना देना नहीं, मेरा तो एक ही तीर्थंकर है, वो भी 20वां, वहां मेरा नाम लिखा हुआ है। मौला अच्छा, नुके चल छोड़, तेरा तीर्थंकर 20वां है ना? नुके हां। नुके ये बता 20वें तीर्थंकर का नाम क्या है? नुके नाम नोम नहीं जानते हम, हाँ ये पता है वहां मेरा नाम लिखा हुआ है। यानी वो अपने आप को 20वां तीर्थंकर मान रहा है, क्योंकि जब उसे 20वें तीर्थंकर का नाम ही याद नहीं तो इसका मतलब वो अपने आप को ही 20वां तीर्थंकर मान रहा है। उसे ये बता है कि 20वें तीर्थंकर के नीचे मेरा नाम लिखा है। उस भगवान ने कभी ऊपर भी नहीं देखा कि मेरे नाम के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है, यानी भगवान का नाम लिखा हुआ है, ये भी उसने कभी देखा नहीं। जब इतनी लिप्सा हो, मुझे कभी कभी देखता, हमारे जैन समाज के लोगों में नाम की बड़ी इच्छा है। हाँ मैंने देखा है सिखों के अंदर, वहां कोई भी काम नाम के लिए होता ही नहीं। ट्रक के ट्रक माल भरा हुआ, लाखों का माल यूं ही छोड़ जाते हैं, रजिस्ट्री गुरुद्वारे के नाम, और चुपचाप छोड़ के चले जाते, किसी को बताते भी नहीं कि कौन छोड़ के गया, क्योंकि वो जो ट्रक है, ट्रक का नाम, ट्रक के अंदर जो माल है वो अपने नाम से नहीं, वो भी सारा का सारा नाम गुरुद्वारे के नाम से। इतना समर्पण, इतनी उदारता, जहां हो वहां भाव कुछ और ही होते हैं। इसकी फिर कभी चर्चा करेंगे। आते हैं धारावाहिक की ओर। ये धारावाहिक भी पूरा करना है, धीरे धीरे चल रहा है, चलने दो, चल तो रहा है ना, चलता रहे, जैसे मेरे श्रावक वैसे ही चरित्र भी चल रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। चरित्र को सुनने से पहले जो मैं पंक्तियां अनुभवियों की गाता हूं, कितनी तल्लीनता से सत्य धर्म को परिभाषित किया है उन अनुभवियों ने, उसमें कहीं कबीर हैं, कहीं तुलसीदास हैं, तो कहीं कोई कवि भी है, तो एक विश्वास के साथ सुने चरित्र को। धर्म न दो जा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर
तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप सतमत छोड़ बावरे सत छोड़ा पत जाए सत के बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए तप बल से भी सत्य का बल है अपरम पार हरिश्चंद्र के सत्य की सुनिए ये झनकार वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारे मर घट में बिक गया राजा बिक गए तारा रानी वो अटल रहे धर्म पे फिर हो गए सब आसानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। कल आप लोग सुन रहे थे न्यायालय में पहुंच गया है विश्वामित्र क्रोध में भन भनाया हुआ लेकिन न्यायालय में पहुंचने के बाद राजा की सज्जनता को देखकर उनकी इंसानियत को देखकर महसूस तो करता है कि आज भरी सभा में एक इंसान के आगे एक गृहस्थी के आगे एक साधु का कद छोटा हो गया पर लेकिन ये नहीं सोचा कि जिस हरिश्चंद्र के हाथ लगाने से लता को हाथ लगाने से उसकी तपस्या से बंधी हुई अप्सराएं छूट कर चली गई तो ये तो सोच सकता था कि दिखने में बेशक से राजा हरिश्चंद्र महलों में रहता है रानी के साथ रहता है राजगद्दी पर बैठा है लेकिन उसके पास कुछ है ऐसा जो तेरे पास नहीं है तेरे पास तपस्या है तो उसके पास सत्य है सोचने को सोच सकता था लेकिन कौन नहीं सोचने देता ये अहंकार दूसरे को अहंकारी व्यक्ति कभी भी अपने से ऊपर मानने को तैयार होता ही नहीं और यहीं पर आदमी मार खाता है और ये कहीं गलत नहीं कहा
अभिमानी का सिर सदा नीचे ही रहता है, मान हमेशा पतन का कारण बनता है। और हम अपनी जिंदगी में कई अभिमानियों को पानी भरते हुए देखा है, लेकिन जब अभिमान हमारे अंदर आता है तो वो सब दृश्य हम भूल जाते हैं। बड़ा मुसीबत में फंस गया, इधर कुआं इधर खाई, भरी सभा में राजा को माफी ना मंगवाऊं तो ये मेरे पीछे जितने चेले आए कहते हुए जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, अब इनके सामने नीचे मुंह करके कैसे जाऊं। राजा की कहीं गलती नजर आ नहीं रही, पर राजा की गलती कैसे साबित करूं, बड़े पचड़े में फंस गया भैया। सुनिए आज क्या होने वाला है। उससे पहले कवि ने, कई आदमी जो जिद्दी होते हैं ना, हठाग्रही होते हैं, दुराग्रही होते हैं, यानी किसी बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं, और ये भी पता चल गया कि ये मेरी बात गलत है, लेकिन उस गलत बात को भी सही साबित करने के जुगत में जुटे हुए रहते हैं, उनके लिए बोला है। दुराग्रही जन सदा सर्वथा अपने ही हठ पर अड़ते, न्याय और अन्याय भूल कर निंद कदाग्रह पर लड़ते, कौशिक जीवी फंसे व्यर्थ ही ऋषि गौरव की दल दल में, सम्मानित होने के पथ को खोज रहे हैं छल बल में। कि आदमी झुकने को तैयार नहीं होता, जो बात मैंने बोल दी बोल दी, जो मैंने बोल दिया ब्रह्म वाक्य, ये भी नहीं सोचता भाई मैं भी एक इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, और जिसे मैं आम इंसान मानता हूं उसकी आत्मा मेरे से भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये सोच ले तो झगड़ा ही खत्म। और बताऊं, कभी कभी बाप बेटे को कहता है तू कल का लौंडा हमें सिखाएगा, भाई ये भी तो हो सकता है तेरे लौंडे में जो बात समझ में आ गई हो तेरे ना आई हो, ये भी तो हो सकता है। छोटे बच्चे में भी कभी कभी वो बात आ जाती है जो बड़े बड़ों में नहीं आती, लेकिन क्या करें ये बात आ गई, मैं बाप ये बेटा ये मेरे से अच्छी सोच कैसे रख सकता है, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। यानी छोटे से छोटे में भी वो बात हो सकती है जो हमारे में नहीं है, पर लेकिन ये विनयवान सोच सकता है। विश्वामित्र ऋषि गौरव के दल दल में फंस गए, ना रे ना, इतनी जनता और अयोध्या के लोग और भी आ गए थे, ऊपर से चेले साथ में, मामला कमरे का होता तो चल छोड़ यार चलता हूं, लेकिन यहां तो मामला अदालत में आ गया, या तो मामला जनता के सामने आ गया, और मैं इतना बड़ा तपस्वी होकर के एक गृहस्थी से हार कैसे मान लूं, मैं तो उसे दंड देने के लिए आया था, मैं अपना दंड कैसे ले लूं। देखो सोच उसकी बेचारे की, मुझे तो दया आ रही है विश्वामित्र पे, उनके बेचारा फंस गया क्या करें, दया भी आ रही है सोच भी आ रही है, सोच रहा है राजा को यदि दंड न दूं तो मम अपमान भयंकर है, गौरव गिरी हो जाए मेरा, चूर चूर फिर कंकर है, मध्यस्थों से निर्णय का पथ नहीं भूल कर भी लूंगा, मुझको दोषी बतलाएंगे फिर कैसे मैं पलटूंगा। कि राजा को अगर दंड नहीं दिया, इसको अपने चरणों में नहीं झुकाया, इसको गिड़गिड़ाया नहीं, इसको हाथ जोड़ने को मजबूर नहीं किया, इसको माफी मांगने को मजबूर नहीं किया,
तो भैया मेरी तो सारी तपस्या खत्म हो गई। जिसके आगे देवता नमस्कार करते हैं और एक आम आदमी झुके नहीं, मेरे आगे राजा झुके नहीं, तो मेरी इज्जत क्या रह गई? हाँ, और रही पंचों की बात, मध्यस्थों की बात, अरे ना बाबा ना, इसके पचड़े में पड़ना ही नहीं, क्योंकि मामला क्लियर है, गलती मेरी है, राजा की तो है ही नहीं, ये खुद मान रहा है, अंदर से मानता। इसलिए कहता हूं कि दो सेंस रहते हैं हमारे पास, एक होती है उल्टी बुद्धि, एक होती है सिद्धि बुद्धि। जो सिद्धि बुद्धि होती है वो ये कहती है सीधा हो जा, अपनी गलती मान ले। उल्टी बुद्धि वाला कहता है ना बर्बाद हो जा, पर झुकना नहीं। और ऐसे घर के अंदर भी होता है, आदमी टूटना पसंद करता है लेकिन झुकना पसंद नहीं करता। टूटना पसंद भैया, पर झुकूंगा नहीं, क्या करूं? अरे विश्वामित्र, तूने इतने मंत्रों का जाप किया लेकिन कोई दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आ रहा? क्या करूं? और अपना तबला बजा रहा ऊपर, क्या करूं? ओहो, फिर आया कि रास्ता दूसरा ही लेना पड़ेगा। अस्तु अस्तु दूसरा पथ अपना कर, इसको बाध्य बना डालूं, इनके न रूपे न बात में अपनी सागरह मनवा लूं। कहा कि कुछ तो चाल चलनी पड़ेगी। अब जो मैं थोड़ा गर्म हो रहा हूं ना, अब जरा ठंडा हो जा, क्योंकि अब मामला दूसरे ढंग से होएगा, क्योंकि अब थोड़ा नरम हो जा और फिर नरमाई में फंसा इसको। इसलिए कहता हूं झुकने को तो तिरकमान भी झुकता है, धनुषबाण भी झुकता है ना? जब तीर चलाते हैं तो धनुषबाण भी झुक जाता है, और जब कभी चीता किसी के ऊपर आक्रमण करता है तो भी वो झुक जाता है, और जब चोर कहीं चोरी करता है तो चुपचाप झुक झुक करके जाता है। लेकिन ये झुकना, बोलो, अच्छा है क्या? ये झुकना किसी को बर्बाद करने के लिए होता है। चीता या बिल्ली कभी आक्रमण करती है तो झुक जाती है, फिर आक्रमण करती है, ऐसा झुकना नहीं। पर लेकिन वो तो आक्रमण करने वाला है ना, नुके मामला गर्माई से नहीं बना तो नरमाई से बनाओ। फिर अंतर में रख कपट कल्पना, बाहर सस्मित मुख बोले, राज धर्म के पालन हित सुर बाला के बंधन खोले। एकदम रूप बदल दिया। किसने? विश्वामित्र ने रूप ही बदल दिया। थोड़ी हरिश्चंद से दूर खड़े हुए थे, पास में आ गए, आंखों में मुस्कुराहट लाए, होठों पर मुस्कुराहट लाए, अंदर नहीं बाहर से। अच्छा, मेरी बात समझ में नहीं आई, अब समझ में आई ना। तुमने जो मेरे तपस्या के प्रभाव से सुरबालाएं अप्सराएं बंधी हुई थी, उनको शायद आपने राज्य धर्म की पालना करने के लिए दया में आकर के उनको खोला है ना? हाँ गुरुदेव, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ भगवान, बस किया वस्तुतः राज धर्म का ही पालन, अन्य न कोई गुप्त ध्येय था, करुणा वस खोले बंधन। कहा कि गुरुदेव बिल्कुल सही फरमाया, मैंने केवल राज धर्म का पालन किया था, उनको जो मुझको कहना था, उनको जो समझाना था, उनको जो हिदायत देनी थी वो मैंने दी, उनके बाद उन्हें मुक्त कर दिया, और राज धर्म का मैंने पालन किया है, और इसके अलावा मेरे अंदर कोई स्वार्थ, कोई कपट, कुछ भी नहीं था। ओह, इतना सुनते ही विश्वामित्र भरी सभा में ताली बजाने लगे। वाह वाह हरिश्चंद, मान गए, राजा हो तो ऐसा होना चाहिए। हां भाइयों,
राजा हो तो ऐसा होना चाहिए। लोगों ने भी राहत की सांस ली है कि चलो बाबा ठंडा तो हुआ, पर लोगों को पता नहीं इस शांति के पीछे कुछ तूफान आने वाला है। हाँ, कोई तूफान आने वाला है। फिर अपनी बात कही, ताली तुलियां बजवा बुजवो के सबको शांत करके और हरिश्चंद्र की तरफ मुखातिब होकर के कहने लगे, राज धर्म का पालन केवल इसी बात में होता है, अथवा अन्य दिशा में भी कुछ उसका पालन होता है। हाँ, अवश्य सर्वत्र सर्वविधि राज धर्म का पालन है, यदि छोड़ूं कर्तव्य एक भी फिर कैसा नृप जीवन है। पता तुम्हें है राज धर्म में दान धर्म कितना सुंदर, नृपसम्मुख की गई याचना व्यर्थ न जाती है अनुभर। हरिश्चंद, मेरे लाल, केवल किसी को बंधन से मुक्त करने में ही केवल राजधर्म होता है, या राजधर्म का पालन करने के तरीके कुछ और भी होते हैं? कि राजधर्म के पालन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, कोई कई तरीके हैं, और उन तरीकों को अपनाने की हिम्मत भी रखता हूं मैं। तो हरिश्चंद, तुझे यह भी पता होगा कि राजधर्म के अंदर दान धर्म भी होता है। यह हमारे शास्त्रों में लिखा है कि राजा के सन्मुख अगर कोई याचना करे, राजा के सम्मुख कोई चीज मांगे, तो राजा को मांगने वाले को वो चीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्या कहते हो, पता पता तो सपने तक में रखता हूँ, यथा समय पालन करने का भी मैं दृढ़ बल रखता हूँ। कहा कि गुरुदेव, आपका ये सेवक केवल आंख खुलने पर ही नहीं, स्वप्न के अंदर भी अगर कोई मांगता है तो उसको देने की हिम्मत रखता हूं और देता भी हूं। यह सब आपकी कृपा है, देव और गुरु धर्म का आशीर्वाद है। हर तरह से राज धर्म की पालना करना चाहता हूं और जानता हूं। वेरी गुड, तो सुन, अच्छा हम याचक हैं, अच्छा हम याचक हैं, पूरी मांग हमारी करिएगा। हाँ हाँ कहिए, जो अभिष्ट हो अच्छी तरह परखिएगा। मांग रहा हूँ अखिल भूमि का राज्य और वैभव सारा, कहिए देते हैं कि नहीं, ये मांग बड़ी अस की धारा। कहा कि हम याचक बनकर, याचक यानी भिखारी बनकर, इतना बड़ा तपस्वी, देखा रे अभिमान ने भिखारी भी बना दिया है। और वो भिखारी इसलिए बन रहा है कि जिसने मेरी तपस्या से बंधी हुई अप्सराएं मुक्त कर दी, अगर उसको मैं सड़क पर ना ला दूं तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं। और इसके लिए, यानी इसको सड़क पर लाने के लिए अगर मुझे भिखारी भी बनना पड़ा तो मैं भिखारी बनने को भी तैयार हूं। कि हम याचक बन करके मैं कुछ तुमसे मांगू तो दोगे क्या? तो राजा हरिश्चंद कहते हैं कि गुरुदेव, जो भी मांगो, जो भी, मैं देने को तैयार। उस वक्त विश्वामित्र ने कहा, जहां जहां तुम्हारा शासन है
मैं पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा वैभव, पूरा का पूरा साम्राज्य मैं तुमसे दान में मांग रहा हूं। दोगे क्या? बनता है दानवीर, दोगा क्या? दोगे क्या? हाय, अब मैं तुमसे पूछ लूं, अगर तुमसे कोई ऐसा कुछ मांगने लग जाए तो क्या करोगे? पहले तो दो थप्पड़ मारोगे कि जाता या नहीं जाता, लेकिन धन्य हो रे, वाह, ये घटना नहीं हुई होती तो आज हम अपने मुख से ये कथा नहीं सुना रहे होते। अगर ये नहीं हुआ होता तो हम इनके जयकारे नहीं बोल रहे होते। इनका ऐसा जीवन था कि महलों में रहते हुए भी संत को जयकारे लगाने को मजबूर कर दिया, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो करिश्मा हरिश्चंद्र ने करके दिखाया वो करिश्मा हम जैसे लोग भी नहीं कर सकते। इतना सुनते ही ये सब महसूस करने वाली बात है। हरिश्चंद्र के मुखमंडल पर, ओहो हो, क्या बात है। इसको कहते हैं जो अंदर है वो बाहर आ रहा है, जो अंदर है वो बाहर आ रहा है। और एक ही सभा में संत होकर के बनावटी चेहरा है, विश्वामित्र का चेहरा बनावटी है, वो हंसी भी बनावटी, और जो जे कार करवा रहा था वो भी बनावटी, क्योंकि उसने तो एक भूमिका तैयार करी थी उसको जमीन पर लाने के लिए, उससे अपना बदला लेने के लिए। हरिश्चंद्र के मुखमंडल पर एक नहीं सलवट आई, पुंडरी से विकसित मुख से सस्मित वाणी ही सुन पाई। मांग विकट क्या, तुच्छ राज्य है अभी समर्पण करता हूं, तन मांगे तो इसको भी मैं देने का दम रखता हूं। हरिश्चंद्र ने आज्ञा दी, प्रिय सेवक था आज्ञाकारे, मिट्टी का लघु पिंड उपस्थित किया और जल की झारी। हरिश्चंद्र के चेहरे पर कोई सलवट नहीं, क्योंकि अंदर कोई मैल नहीं, अंदर कोई बनावट नहीं। इस बात को सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुराते हुए कहा कि गुरुजी, आपने तो इस तरह मांगा जैसे ये बहुत बड़ी मांग है। देखो क्या कह रहा वो, आपने तो इस तरह मांगा जैसे कि पता नहीं क्या मांग लिया आपने, कुछ भी नहीं है गुरुदेव, तुच्छ है राज, जब मौत आएगी तो भी तो छोड़ करके जाऊंगा, और उससे पहले आप जैसे महात्मा ने ये राज्य मांग लिया, कुछ भी नहीं मांगा मेरी दृष्टि में। गुरुदेव, अगर आप मेरी जिंदगी भी मांगते ना तो मैं अपनी जिंदगी भी दे देता आपको, ये तो कुछ भी नहीं मांगा आपने। सेवक को कहा, जाओ मिट्टी का पिंड, और मिट्टी के पिंड पर सुराही समझते होंगे आप, या एक छोटी मटकी में पानी, और मटकी के ऊपर ढक्कन लगा हुआ, वो लेकर के आ जाओ एक मिनट में। वहीं बैठे बैठे कुछ भी सोचा नहीं, अगर आप होते ना, माथे पर इतने, सिर के ऊपर इतने बार हाथ फेर लेते कि बाल उतर जाते तुम्हारे। मैं क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया,
लेकिन वो जानते थे कि धन जाने से कोई बर्बाद नहीं होता, दान देने से कोई बर्बाद नहीं होता। विश्वामित्र हरिश्चंद्र का देखिए साहस प्रबल महान, कौशल से साम्राज्य का पल में करते दान। इसको कहते हैं साहस, इसको कहते हैं हिम्मत। हिम्मत है तो कीमत है, हिम्मत है तो कीमत है, और ऐसे हिम्मतियों का ही नाम हुआ करता है। कोड़ी कोड़ी पर मरने वाले कोड़ी कोड़ी को जोड़ने वालों का नाम नहीं हुआ करता है, और सेठ वही हुआ करता है जो दूसरों को खुशियां बांटा करता है। सेठ वही नहीं होता जो दूसरों की खुशियों को आंसुओं में बदलकर अपनी तिजोरियों में भरा करता है। मैं तो कभी कभी उनके लिए एक बात कहता हूं, दूसरों को लूटकर, दूसरों को रुलाकर अगर तुमने सोने और चांदी अगर आपने अपनी तिजोरियों में भरे हैं, तो तिजोरियों में सोने और चांदी नहीं है, वो लोगों की आहें भरी हुई हैं, लोगों का दर्द, लोगों का आंसू, लोगों की तकलीफें भरी हुई हैं। और जिस दिन वो तकलीफें, वो दर्द जब भी उस तिजोरी से बाहर निकलेंगे, तो उनका हिसाब तुम्हें ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा, वो भी चक्रवर्ती ब्याज जैसे चुकाना पड़ेगा। जैसे वो स्वीकार किया, और उसने मालूम है ये मांग क्यों करी थी, राज्य की मांग क्यों करी थी, कि राज्य तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो जानता था लोगों की मनस्थिति, जो गद्दी पर बैठ जाते हैं वो जल्दी से गद्दी छोड़ते नहीं, हाँ छोड़ते नहीं, और गद्दी के लिए किसी के आगे भी गिड़गिड़ा सकते हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि ये जब चुनाव आते हैं ना, तो बड़े बड़े राजनेता सेकुलर बन जाते हैं। हाँ, नेता अगर ब्राह्मण हो तो छोटी जाति के भी पांव छू लेता है, क्योंकि गरज है वोट मिल जावे। अय हाय, बाद में पूछते नहीं। तो ये विश्वामित्र सोचते मन में, ऐ तेरा भला, जो सोच के मांगा था मैंने तो सोचा था गिड़गिड़ाएगा, नहीं गुरुजी जो भी मेरे से गलती हो गई मुझको माफ कर दो, कम से कम मेरी गद्दी तो मुझसे, यही सोच के मांगा था उसने, उसे पता ही नहीं था। मैं यही तो कह रहा हूं कि क्रोध इंसान को किसी का दिल देखने नहीं देता, यहीं पर मार खा जाता है इंसान। विश्वामित्र सोचते मन में साहस बड़ा विलक्षण है, कौशल सा साम्राज्य त्यागते तनिक न चिंता का कण है, मैंने तो समझा था डर कर चरणों शीस झुका देगा, स्वीकृत कर निज दोष क्षमा के लिए हाथ फैला देगा, किंतु भूप अति दम्भी है दृढ़ अहंकार का भूत चढ़ा, विनय नम्रता सज्जनता का नहीं जरा भी पाठ पढ़ा, देखूंगा ये दंभ और अभिमान कहाँ तक चलता है, कौशिक को भी धूर्त राज बन कौन कहाँ तक चलता है। यार ये आदमी है क्या है, क्या सोच के मांगा है। विश्वामित्र ये तो बात पक्की है, तू अच्छे चौघड़िए में नहीं चला था, उद्वेग में चला है तू, लाभ और अमृत के चौघड़िया, क्योंकि जब आदमी को क्रोध आता तो चौघड़िया कोई देखता है। क्या तेरा भला, जो भी दाव फेंकता हूं सब दाव बेकार, और सब मेरे अपमान करवा रहे हैं,
मेरा जैसा तपस्वी, क्योंकि विश्वामित्र खुद राजा था और राजगद्दी को छोड़कर सन्यासी बना था और फिर राजगद्दी को मांग लिया उसने। रे वो तेरा भला हो, मैंने तो ये सोचा था कि ये माफी मांगेगा, ये तो राज्य देने को तैयार हो गया। और देखिए दूसरी और गलती, राजा की ये सज्जनता, विनम्रता और विनय भक्ति को भी वो क्या समझ रहा है, ये घमंडी है, झुकने को तैयार नहीं, इतना घमंड भरा हुआ है इसके अंदर। ये से नहीं कि एक बार माफी मांग ले, एक बार ये कह दे अच्छा गुरुजी मेरे से गलती हो गई, पर देखता हूं ये घमंड कब तक चलता है इसका। यानी एक बात तो पक्की हो गई, जैसे कहते ना चोर को सभी चोर, हां चोर को सभी चोर नजर आते हैं, घमंडी को सारे घमंडी नजर आते हैं, हां यही वाली बात है। क्योंकि तुमने कभी देखा तुम्हारे सामने कोई किसी की बुराई करे ना तो तुमको बड़ी तसल्ली मिलती है कि मैं तो समझता था कि हम ही बुरे हैं, ये तो हमसे भी ज्यादा बुरे हैं, एक तसल्ली मिलती है। हाँ इसलिए दूसरों की बुराई सुनने में तुमको बहुत मजा आता है। अगर किसी की प्रशंसा हो रही हो ना तो वो जल्दी सी प्रशंसा हजम नहीं होती। जैसी वो जल की झारी, क्योंकि मिट्टी का पिंड है, मिट्टी के पिंड पर मटका है, मटके पर ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर मुकुट है, ये एक प्रक्रिया है राज्य को, क्योंकि भूमि भी दे दी, जल भी दे दिया और मुकुट भी दे दिया, तीनों चीजें एक साथ। वो जैसे वो आगे बढ़ने लगा विश्वामित्र थोड़ा पीछे हटा, क्योंकि मालूम है ये लेते ही मेरी थूथू हो जानी है। ए तेरा भला हो, जब राज्य से इतना ही मोहता तो साधु क्यों बना, इसकी तो जय जयकार हो जाएगी और मेरी बदनामी हो जाएगी। पीछे हटा और हाथ कहां, रुक जरा रुक। हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव क्या हो गया, नुके रुक जा, बेंगलोर वालों का समय हो गया ना, अभी रुक जा अभी रुक जा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं दौलत के दीवानों, सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़र जाएगा, हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़र जाएगा, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं, जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े
वालो सुन लो बेंगलोरो, वालो सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गनी, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गले, हो वीर नाम के हीरे गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गले, ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गले, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।